5। ये फ़ोन अभी कुछ ही मिनटों पहले चाइना में लॉन्च हुआ है और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इसी फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में। बताने वाला हूँ आपको इस फ़ोन के फीचर्स, क्या क्या आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिलता है, और लास्ट में जाके आपको बताने वाला हूँ इस फ़ोन की प्राइसिंग इंडिया में क्या हो सकती है। सबसे पहले बात कर ली जाए, ये फ़ोन दो वेरियंट्स में लॉन्च हुआ है चाइना में। पहला वाला जो वेरियंट है वो 150 वॉट चार्जर के साथ में आता है, जिसकी प्राइसिंग चाइना में रखी गई है 2500 युआन, जो कि इंडियन करेंसी में करीब करीब 31,000 रुपीज़ बैठता है। दूसरा वाला वेरिएंट है जिसमें आपको 240 वॉट का चार्जर मिलता है, उस फ़ोन की प्राइसिंग चाइना में 3200 युआन रखी गई है, जो इंडियन करेंसी में करीब करीब 39,000 रुपीज़ बैठता है। इस फ़ोन में आपको ग्लास बैक देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको रियलमी ने ऑफर किया है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 CPU, जो कि एक 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड CPU है। यहाँ पे आपको अड्रीनो का 730 GPU मिल जाता है। इस फ़ोन में रियलमी ने यूज़ की है LPDDR5X RAM अप टू 16 GB और UFS 3.1 की स्टोरेज अप टू 1 TB। यहाँ पे आपको बेसिकली दो वेरियंट्स मिलेंगे, 150 वॉट जिसमें चार्जर आएगा उसमें आपको मैक्सिमम 8 GB, 12 GB, 16 GB, ये तीन ऑप्शंस मिलेंगे, और मैक्सिमम रोम साइज़ जो है वो 256 GB का लिमिटेड है। और जो 240 वॉट वाला वेरिएंट है उसमें आपको 16 GB रैम तो मिलेगी, बट वहाँ पे आपको 1 TB तक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस फ़ोन में आपको देखने के लिए मिलता है एक 6.74 इंचेस का 1.5K रिजोल्यूशन वाला AMOLED पैनल, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में 144 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इस फ़ोन में आपको 1920 हर्ट्ज़ की PWM डिमिंग भी देखने के लिए मिल जाती है और 100% DCI-P3 कलर गैमेट देखने के लिए मिल जाता है। जो 150 वॉट वाला वेरिएंट है उसमें आपको मैक्सिमम 5000 mAh की बैटरी मिलती है, डूल सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और जो 240 वॉट वाला जो वेरिएंट है उसमें आपको 4600 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी आपको 2300 mAh ईच बैटरी मिलती है, यानी कि डूल सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो भी है। इस फ़ोन में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलता है रेयर में। प्राइमरी सेंसर है सोनी IMX890 अलॉन्ग विथ OIS। ये सेंसर जो है 50 MP का है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे सेकेंडरी लेंस मिल जाता है 8 MP का, और थर्ड लेंस मिल जाता है आपको 2 MP का। इस फ़ोन से आप मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाएंगे 4K तक एट 60 FPS। फ्रंट में आपको 16 MP का सिंगल शूटर दिया हुआ, ये जो सेंसर है सैमसंग की तरफ से आने वाला है। इस फ़ोन में आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं डॉल्बी एटमॉस और हाई रिस ऑडियो को। आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन Realme UI 4.0 पे चलता है, जो कि बेस है Android 13 पे। इस फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में बात कर ली जाए इस फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में, यानी ये फ़ोन इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है, तो सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, इस फ़ोन का जो टेस्टिंग है वो इंडिया में ऑलरेडी चालू है और विद इन 1 month ये फ़ोन हमें इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। शायद से इसी महीने यानी फरवरी के एंडिंग तक ये फ़ोन इंडिया में अनाउंस भी हो जाएगा। आशा करता हूँ उसका वीडियो आपको देखने के बाद Realme GT Neo 5 के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।